धोखा देने वाला साथी देता है ये संकेत। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं कि हमारे साथ जो साथी है वो हमें धोखा देगा या नहीं देगा, क्या भविष्य में वो हमारे साथ पूरे दिल से या तो फिर अच्छा रिश्ता बना कर रहेगा। देखिए, जो भी इंसान धोखा देने वाला होता है वो पहले कहीं ना कहीं छोटे मोटे संकेत तो देता ही देता है। अगर आपका साथी ये संकेत देता है तो समझ लेना चाहिए कि वो आज नहीं तो कल धोखा देगा। हाँ, वो बीच में सुधर जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको तैयारी कर लेनी चाहिए कि शायद वो धोखा दे सकते हैं। तो कौन से वो संकेत हैं? सबसे पहला संकेत है, छोटी मोटी कोई भी बात हो वो आपसे कई बार छिपाते रहते हैं। अगर ये संकेत आपको ज़्यादा दिखता है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत कर सकता है। तो आपको ये समझ में आता है कि आपका साथी कई बार आपसे बातें छिपाता है, कई बार आपको किसी और से कुछ बातें पता चलती हैं, कई बार आप कहते हैं उनको, फोर्स करते हैं, फिर भी वो आपको बातें नहीं बताते। तो ये सब चीज़ें संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं आपका साथी आपसे झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उनको आपके साथ कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, आपके साथ उनको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा वो मान रहे समझ रहे। तो अगर ये संकेत आप में दिखता है या आपके रिश्ते में दिखता है, यानी कि उनमें दिखता है, तो ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये संकेत है। दूसरा संकेत है, वो कभी भी आपके साथ अकेले में बैठकर इमोशनल बातें नहीं करते। कई बार हमें लगता है कि इमोशनल बातें जैसा क्या होता है, साथ में खाए पिए नाचे ये सब करें रिश्ता अच्छा ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम एक दूसरे के साथ इमोशनल बातें नहीं करेंगे तो इमोशनल बॉन्डिंग कैसे बनेगी? हम कैसे तय कर पाएंगे कि हमारा रिश्ता अच्छा चल रहा है, हमारा रिश्ता सही है? तो ये नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए इमोशनल बातें करनी होती है। लेकिन आपका साथी कभी भी आपके साथ अकेले में बैठकर इमोशनल बातें नहीं करता, तो ये भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं उनको आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, या तो फिर ये सोचकर वो बैठे कि मुझे तो कहीं और ही जाना है, किसी और के साथ रिश्ता बनाना है, हो सकता है वो आपको धोखा दे। तो ये संकेत का खास ध्यान रखें। आखिरी और तीसरा जो संकेत है वो संकेत है, आपका साथी जब भी आप बुलाते हैं तब कभी भी वो नहीं आते। हाँ, उनको टाइम मिलता है तब आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ दिनों में हमें लगता है कि मुझे आपकी बहुत ही याद आ गई, प्लीज़ आप आ जाइए, लेकिन आपका साथी ऐसे नहीं आता। ऐसे नहीं आता इसका साफ मतलब है कि आपकी भावनाओं की उनको कोई कद्र नहीं है, ना ही वो चाहते हैं कि आपके साथ अच्छे से रहे। आपके साथ रिश्ता वो तोड़ने के लिए अब कोई भी मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर उसकी राह देख रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है, एक संकेत हो सकता है। तो ये तीनों संकेत साथ में होने चाहिए। कोई एक संकेत से आप इसका रिजल्ट नहीं देख सकते कि वो धोखा दे रहे हैं, तीनों होने चाहिए तब जाके आप मान सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके रिश्ते में ये तीनों संकेत है या नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे GABF रांझा मजनू लैला जो भी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।